हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें या फिर टीवी इंडस्ट्री की बात करें, तो दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर हमारी बॉडी स्लिम फिट और अच्छी पर्सनालिटी है तो ही हम इन बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। पर जब हम एक ऐसे किरदार को टीवी या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखते हैं जिसकी ना ही पर्सनैलिटी है और ना ही उसकी कोई स्लिम बॉडी है और ना ही उसकी अच्छी हाइट है, तो हम ज़रूर सोचते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर भी वह लोगों का चहेता बन जाता है, लोग उससे बहुत पसंद करते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो छोटा साइज बड़ा धमाका के गोस्वामी हैं। जी हाँ, उनके आते ही लोगों का हंसना चालू हो जाता है। अब आपको गोस्वामी के करियर के बारे में हम जरा कुछ बता दें। गोस्वामी की हाइट लगभग 3 फिट की है और जब सर्कस वालों ने इनको देखा तो गोस्वामी को खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो गए और उनके सामने, उनके फैमिली के सामने डिमांड रखी कि वो उनको दे दें और वो उनके बदले में से 50,000 रुपये भी देंगे। लेकिन गोस्वामी के पापा ने सर्कस भेजने से उन्हें मना कर दिया था। धीरे धीरे समय बीता, गोस्वामी की शादी की चर्चाएं होने लगी। शादी भी तय हो गई परंतु बाद में लड़की वालों ने शादी करने से मना कर दिया, कहा कि हम लड़की अपनी गोस्वामी के साथ नहीं भेजेंगे। पर जो लड़की थी वो गोस्वामी से शादी करना चाहती थी, वो उन्हें बेहद पसंद करती थी। लड़की ने जिद ठान ली कि वह शादी करेंगी तो गोस्वामी से ही। फिर गोस्वामी दूल्हा बन के ससुराल गए। उनके मन में एक बात का डर था कि मेरी हाइट की वजह से कोई मुझे मना ना कर दे, क्योंकि उनकी पत्नी 5 फुट की है। पता नहीं हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, इसको लेकर वो काफी चिंता में थे। लेकिन बाद में उन दोनों की शादी हुई और उन्होंने धूमधाम से अपनी शादी की और आज वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, पर गोस्वामी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से लोग जानते हैं और एक जानी मानी हस्ती भी हैं। उन्होंने अपने हुनर और एक्टिंग के दम पर लोगों के मुंह से खुद तारीफें बटोरी है। इतना बड़ा मुकाम पाने वाला है ये शख्स आज हर किसी का चहेता बना हुआ है और इतना बड़ा मुकाम पाना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 9 लाइफ से नाजमिन की रिपोर्ट।